भजनलाल सरकार की 3.5 महीने बाद मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले किए गए। गहलोत सरकार में बनाए गए गांधी वाटिका न्यास को भंग कर दिया गया है। हालांकि गांधी वाटिका का संचालन होता रहेगा, कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट भी बनेगा और इसे लेकर अगस्त में MOU भी होगा। कैबिनेट बैठक के बाद मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने बताया कि प्रदेश के 3 जिलों भीलवाड़ा, किशनगढ़ और झालावाड़ में फ्लाइंग स्कूल्स खोले जाएंगे। राजस्थान के कुछ एयरपोर्ट्स पर कार्गो फैसिलिटीज भी शुरू होगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि बिजली में 2 लाख करोड़ के MOU किए जाएंगे। वहीं मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सीएम भजनलाल शर्मा के मुलाकात के साथ गांधी वाटिका को जनता के लिए जल्द शुरू करने की मांग की थी। हम जल्द ही गांधी वाटिका को शुरू कर देंगे। इसके संचालन के लिए जो न्यास बनाया गया था उसमें कई तरह की खामियां थी और न्यास में अध्यक्ष के होते हुए भी उपाध्यक्ष को अतिरिक्त शक्तियां दे दी गई थी। एक व्यक्ति को सरकारी जमीन बेचने के अधिकार कैसे दिए जा सकते हैं, ऐसे में कैबिनेट ने से रद्द करने का फैसला किया है। वहीं से पहले हुई कैबिनेट मीटिंग में कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा नहीं पहुंचे थे। मीटिंग में कल से शुरू हो रहे बजट सत्र की तैयारियों को लेकर चर्चाएं की गई। विधानसभा में रखे जाने वाले बिल और प्रतिवेदन पर कैबिनेट की अप्रूवल भी ली गई। सीएमओ में हुई बैठक में मंत्रियों के विभाग से संबंधित सवालों के जवाब प्रभावी रूप से रखने पर भी चर्चा की गई। और वहीं आपको बता दें कि पिछले विधानसभा सत्र में विपक्ष के सवालों में कई मंत्री भी उलझे हुए नजर आए थे। इससे विपक्ष को सदन में सरकार पर हमला बोलने का एक और मौका मिल गया था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी और मंत्री किरोड़ी लाल मीणा नहीं पहुंचे। दिया कुमारी अपनी माताजी के इलाज के लिए इस वक्त मुंबई में है। वे मुंबई से ही VC के जरिए इस बैठक में जुड़ी थी। वहीं आपको बता दें कि किरोड़ी लाल मीणा दिल्ली दौरे के चलते बैठक में शामिल नहीं हो पाए। इसके अलावा सभी मंत्री इस बैठक में मौजूद रहे। वहीं सत्र में विपक्ष सरकार को महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक और बिजली पानी की समस्याओं पर घेरने की तमाम तैयारी कर रहा है और ऐसे में विधायक दल की बैठक में विधायकों को पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुई पेपर लीक की घटनाओं, किसान आत्महत्या और अन्य घटनाओं से अवगत कराया गया जिससे कि वो विपक्ष पर हमलावर हो सके। भजनलाल सरकार के 7 महीने के कार्यकाल में हुए कार्यों को भी सदन में पुरजोर तरीके से रखने की रणनीति पर भी इस बैठक में चर्चा की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी, राजस्थान।